Hello, this is the day 4 in the naturopathy hospital. So I'm just trying out some unusual thing. Like kal raat mein mere ko khana sahi dhang se suit nahi kiya because raw food I'm like not habituated. Aur uske baad raat ko thoda tabiyat sahi nahi tha. इसलिए सुबह सुबह योगा भी नहीं करने गया एंड टुडे मॉर्निंग योगा जब करने के लिए गया तो तबीयत अच्छा नहीं लग रहा था तो उनको बोला कि आज मैं नहीं करने वाला हूँ और आज लगभग सोया थोड़ा देर एंड टुडे आई गॉट सम जूस और ये तमिल लैंग्वेज पे कुछ जूस बोलते हैं पता नहीं एक्चुअली क्या जूस है ये नेचुरोपैथी में रह के एक चीज़ पता चल रहा है कि फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ और हमारा जो डिजीज़ है मतलब जो भी बीमारी हम खुद के अंदर लेके आते हैं दिस इज़ लाइक कम्प्लीटली लाइफ स्टाइल डिजीज़ हम लोग जो जीवन जीते हैं उसके वजह से बीमारी आता है सो इफ़ वी करेक्ट द लाइफ स्टाइल देन डिजीज भी नहीं आएगा आज पता नहीं दो तीन दिनों से मतलब दो तीन दिनों से नहीं दो दिन से कल भी ऐसे लग रहा था आज भी ऐसे लग रहा था पूरा एकदम लाइक बॉडी पूरा ऐसे करके ड्रोजीनेस फील हो रहा है पता नहीं क्यों मतलब उसका रीज़न क्या है पता नहीं पानी पीना पड़ेगा ज़्यादा और नहा लेंगे तो वो ड्रोजनेस ठीक हो जाएगा अभी जो ब्रेकफास्ट पे मिला है केला है खीरा है ये पाइनएप्पल है स्प्राउट्स है गाजर है और यहाँ पे लोकल कुछ चीज़ें उसका सलाड बना हुआ है तो ये आज का ब्रेकफास्ट है और कल से तो बता ही रहे हैं कि ये सब खाना एक्चुअली बॉडी क्लिनजिंग प्रोसेस के लिए है जैसे जो तेल मसाला जो हम लोगों ने बॉडी पे ठूस ठूस के खाया है तो उसको तो निकालना पड़ेगा तो ये सब खाना उसको निकालने में मदद कर रहा है सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फूड और आज देखते हैं जाके योगा करेंगे और कुछ अलग सा ट्रीटमेंट दिया तो उसको जाके एक्सपीरियंस करेंगे सुबह ब्रेकफास्ट किया और काफ़ी देर तक रेस्ट कर रहे थे तो मेरे को यहाँ पे एक जो इंटर्न्स हैं एक भैया से काफ़ी अच्छा मेरा दोस्ती हो गया तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे पैर में जो रैसेस हैं उसके लिए हमें टर्मरिक पाउडर और नीम पाउडर चाहिए तो वो दोनों रेडी करके रखना कल से तुम्हारा ट्रीटमेंट चालू होगा और अभी योगा करने का टाइम आ गया 10 बजे से अभी जा रहे हैं नीचे योगा करने के लिए और ढूंढना पड़ेगा टर्मरिक पाउडर और नीम पाउडर कहाँ मिलता है एक्चुअली मतलब हमारा बॉडी एक पूरा कोऑर्डिनेशन जैसा काम करता है मतलब एक सिस्टम में अगर थोड़ा सा कोई स्क्रू खराब हो जाता है तो पूरा सिस्टम में गड़बड़ी होता है तो उसी की वजह से फिर एक जगह पे प्रॉब्लम दूसरे जगह पे प्रॉब्लम ये सब शुरू होता है तो नेचुरोपैथी वाला जो सिस्टम है यहाँ पे आके मेरे को ये पता चला कि हम लोग खाली प्रॉब्लम को देखते हैं कि यहाँ पे मेरे को बुखार आ गया यहाँ पे मेरे को चोट लग गया या फिर यहाँ पे मेरे को रैसेज निकल रहा है लेकिन इसके पीछे रीज़न क्या है निकलने का तो वो चीज़ जब तक पता नहीं चलेगा तब तक हम लोग उसको सॉल्व भी नहीं कर सकते सो दैट इज़ द थिंग एक्चुअली गड़बड़ी पेट पे है और हम लोग फोकस करते हैं कि ये ठीक हो गया ठीक करना है ये ख़राब हो गया तो ये कैसे करेंगे बस यही बोलना चाहते हैं नेचुरोपैथी के हिसाब से पेट ठीक करो बाकी सब ठीक हो जाएगा जस्ट योगा ख़त्म हुआ और योगा ख़त्म होने के बाद दूसरे दिन शाम को लेग पैक करवाता है और अभी सुबह सुबह लेग पैक जो वेरिकोज वेन का ट्रीटमेंट है वो लेने वाला हूँ तो अभी ट्रीटमेंट सेक्शन पे जस्ट आया ही हूँ फॉर 1 मिनट अभी लेग पैक ख़त्म हुआ और मैं जस्ट रूम पे आया और आने के बाद लाइक थोड़ा सा डर गया यहाँ पे एक लोग आए और मेरे को बोलने लगे कि किसको पूछ के वीडियो लिया क्या किया ये किया वो क्या मतलब काफ़ी ज़्यादा डराने लगा तुमको पुलिस में दे देंगे ये कर देंगे तुम किसी से पूछा नहीं ऐसे ही वीडियोज़ कैसे ले सकते हो गवर्नमेंट जगह ये हुआ है तो मैं बोला कि मैं अपना वीडियोज़ ले रहा हूँ तो फिर वो मतलब काफ़ी बोलने लगे एक्चुअली मेरे को तमिल नहीं आता और उनको इंग्लिश नहीं आता तो एक भैया थे जिनको ट्रांसलेट करने के लिए आता था तो उनको मतलब सुना रहे थे तो इनडायरेक्टली मेरे को सुना रहे थे पुलिस बुला देंगे ये कर देंगे वो कर देंगे मैं बोला कि ठीक है भाई साहब नहीं बनाएंगे वीडियो
तो कल जो होगा, मेरे पैर में एक जगह पे रैश है, तो उसका ट्रीटमेंट करने के लिए यहाँ पे राइस पाउडर, कॉर्न फ्लोर पाउडर, टर्मरिक पाउडर, नीम पाउडर और कुछ पिन नहीं पाउडर, कुछ कुछ पाउडर यहाँ पे लिखा गया है, तो ये सारा पाउडर मेरे को लाना पड़ेगा और फिर ट्रीटमेंट होगा उसका। जाते हैं, मैं खुद तो बाहर नहीं जा सकता, यहाँ पे कोई वॉचमैन को पैसा देना है और वो मेरे लिए लेके आएगा। तो वंस ही ब्रिंग मतलब थिंग्स, कल से ट्रीटमेंट चालू होगा एलर्जी के लिए। आज मतलब सच में टेंशन ही कर दिया। बंदा आके बोलता है कि तुम्हारा पुलिस में कंप्लेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा, आज पूरा हल्ला कर रहा था यहाँ पे। यहाँ पे जो जूस मिला है अभी पीने के लिए, ये है ग्रेप जूस। सो नाउ एंजॉइंग द ग्रेप जूस। उसने जो बोला जस्ट वाइब्स को हटा दो और जस्ट चिलिंग लाइफ। सो आज दोपहर का जो लंच मिला, क्वांटिटी काफ़ी कम है, मेरे लिए भी है ये पपाया स्प्राउट्स एंड केला, ये आज का लंच है। इतना थोड़ा सा खा के मतलब कैसे सर्वाइव करेंगे? इट्स वेरी हार्ड टू सर्वाइव हियर आफ्टर ईटिंग मतलब दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड। आई लाइक बिकम ट्रुर लकड़ी बन जाएंगे। अभी लंच ख़त्म हुआ और जस्ट वीडियो लेके बैठा हुआ ही था एडिट करने के लिए। इन बिटवीन दैट आई गॉट ए पैकेट, इसमें कल मेरा जो है ट्रीटमेंट होने वाला है। ट्रीटमेंट आई मीन लाइक एलर्जिक ट्रीटमेंट, तो उसके लिए जो बोला गया था एक कॉर्न फ्लोर ये है। और देखते हैं, इतना बड़ा पैकेट पैकेट आया है, इसमें बहुत सारा चीज़ है। लेट मी कीप दिस साइड। ये कुछ भेपिलाई पाउडर, ओके भेपिलाई पाउडर। ये आया है 2 पैकेट। तीन पैकेट एंड एक 4 पैकेट। 35 रुपीस का है ये और ये है 23। उसके साथ साथ इसके अंदर क्या आया है? ओके, टर्मरिक पाउडर 2 पैकेट। टर्मरिक पाउडर 3 पैकेट एंड दिस इज राइस फ्लोर आई थिंक। थर्टी फोर, तो टोटल मेरे को पड़ा 300 रुपीज़ का ये सारा सामान। ये देख लो, कल पता नहीं कौन सा ट्रीटमेंट होगा, देखते हैं, लेट मी एक्सपीरियंस इट। और उसका तो वीडियो बनाने के लिए एकदम बिल्कुल मना कर दिया, तो मैं खुद एक्सपीरियंस करूँगा, उसका वीडियो बनाएंगे। अभी मेरा आज का मतलब लास्ट ट्रीटमेंट ख़त्म हो गया, और लास्ट ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद यहाँ पे कुछ जूस देता है, तो मैं अभी तक जूस लाने के लिए नहीं गया हूँ। एक्चुअली थोड़ा देर के बाद जाएंगे जूस लेने के लिए। लास्ट ट्रीटमेंट पे था, दूसरे दिन शाम को लेग पैक करवाते हैं, बट आज क्या हुआ कि सुबह सुबह लेग 40,000। हाँ, नो तमिल एक्चुअली, इंग्लिश। नो नो, दिस इज अ ब्लॉगिंग कैमरा, वीडियो मेकिंग कैमरा। नो फोन, नो। हाँ, फोन कनेक्ट, ब्लूटूथ नो, लाइक वन डिवाइस इज देयर टू कनेक्ट। ये पूछ रहे थे कि इसका कितना दाम है। मैं एक्चुअली ऑस्मो पॉकेट से शूट कर रहा हूँ, तो ऑस्मो पॉकेट लगभग 40,000 के आसपास चला जाता है, इसलिए मैंने उनको बता दिया कि ऑस्मो पॉकेट 40,000 का है। और जिस पॉइंट पे था कि मैं जूस लेने के लिए नहीं गया, और जिस बंदे ने सुबह मेरे ऊपर हाउल किया था, उसके साथ बहुत अच्छा बात हुआ। उन्होंने बोला कि ट्रीटमेंट के टाइम यू शुड कॉन्सेंट्रेट इन द ट्रीटमेंट, अदरवाइज ट्रीटमेंट तुम्हारे लिए काम नहीं करेगा। मैं बोला कि ठीक है भाई साहब, अब इसमें बात ही क्या करना है, आपने हल्ला हल्ला कर दिया, मैंने सुन लिया, बस एक तरफ से सुना एक तरफ से निकाल दिया, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ा। बट या लाइक उन्होंने ऐसा ऐसा बोल दिया था। अभी चेन्नई पे क्या है कि ट्रीटमेंट ख़त्म करेंगे, 14 दिन कैसे टिकेंगे वही सबसे बड़ा बात है। आज 4 दिन हुआ और अगला 10 दिन। हाँ, लेकिन ज़िंदगी का 10 दिन देखें लाइक अच्छा कुछ एक्सपीरियंस मिल रहा है, दैट इज़ बेटर फॉर मी आई थिंक। अभी योगा करके आए और रूम पे जस्ट बैठे हुए हैं, और यहाँ पे जो अंकल है, ये अंकल के साथ एक्चुअली मैं 4 दिन रहा। वेरी क्रिएटिव अंकल, सुबह सब मेरे को फल देते खाने के लिए, और उसके साथ साथ बोलते हमें सब बाहर चलो, लेट्स गो आउट, गो आउट।
बड़ी मस्त अंकल है इनके साथ, मतलब इतना दोस्ती हो गया और ये एक जगह पर नहीं बैठ सकते हैं, चारों तरफ घूमते रहते हैं एवरी डे। मतलब केला मिलता है मेरे को कम हो जाता है, इनको पता है तो अपना केला मेरे को दे देते हैं। अभी जस्ट योगा ख़त्म हुआ, आज का योगा सेशन बहुत अच्छा था, मतलब थोड़ा रिलैक्स लगा, और उसके साथ साथ नाउ जस्ट लाइक भूख तो लग रहा है बहुत, मतलब शाम से ही बहुत भूख लग रहा है क्योंकि दोपहर में लंच बहुत कम मिला था तो उसके वजह से भूख लग रहा है। अभी देखते हैं खाने का क्या जुगाड़ हो सकता है, बाहर जाके कुछ खाना लाना पड़ेगा। और आज तो ऐसे ही ख़त्म हो गया नेचुरोपैथी में, एक और दिन खाना लाएंगे, डिनर करेंगे और फिर उसके बाद देखते रात में और क्या हो सकता है। लाइक यहाँ पे तो बहुत जल्दी रात हो जाता है, 7 बजे और 5 बजे, मतलब नॉर्मली रूटीन बहुत पहले चलता है यहाँ पे। अजब ही लग रहा है यार कि चेन्नई के शहर पे रुक के ऐसा एक जगह जहाँ पे 7 बजे और 5 बजे मतलब रूटीन चल रहा है, जहाँ पे लोगों का 5 बजे सोने का टाइम होता है और 7 बजे लाइक हम लोग चले जाते हैं सोने के लिए। क्या ही दुनिया है, अजब ही लग रहा है। अभी डिनर हो गया और ये ऐसा कुछ डिनर है, खीरा है, बीटरूट है, और ये बाप रे दो दो फोन बज रहा है, मेरा फोन बज रहा है और बगल से। और यहाँ पे खीरा मिला है, बीटरूट मिला है, खरबूजा मिला है और केला मिला है। सो दिस इज़ द डिनर आज रात के लिए, इतना कम। अभी रात में थोड़ा देर के बाद आई एम जस्ट गोइंग आउट, और बाहर से कुछ केला या फिर कुछ फ्रूट्स लेके आना पड़ेगा, नहीं तो इतना कम खाना में नहीं होगा। समाउ फिर भी मैनेज कर रहे हैं, तो दिस इज़ हाउ द लाइफ इज़ गोइंग ऑन इन द नेचुरोपैथी सेंटर। बाहर जाएंगे अभी डिनर करने के बाद, डिनर कर लेता हूँ उसके बाद बाहर जाते हैं। आज रात में जो प्लान किए थे बाहर जाने का, सो दैट प्लान कम्प्लीटली फेल्ड। लाइक सोचे कि जो मिला है उसको खा के सो जाते हैं, सो इट्स टाइम टू स्लीप, लाइक 9:30 इज़ द टाइम हियर, और अभी सो जाएंगे। उसके पहले कुछ वीडियोस एडिट कर रहे हैं, पहले वाले बैकलॉग पे काफ़ी सारा वीडियोस पड़ जाता है, फिर उसको एडिट करके अपलोड करने में काफ़ी दिक्कत होता है, बट या इट्स फाइन, चल जाएगा। आज अभी डे 5 नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट का, सुबह सुबह टाइम 5:29 हो रहा है और जा रहे हैं योगा क्लास करने के लिए। योगा योगा में तो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ है मेरा बैक पेन को लेके, और काफ़ी इफेक्टिवनेस भी हो रहा है, तो अभी जाता है योगा क्लास करने।